तो हेलो हेलो हेलो, क्या लगा तुम सब लोगों को कि मैं आऊंगा नहीं दोबारा? लो मैं आ गया दोबारा। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। इस बार मैं कुछ ऐसी चीज करने वाला हूँ जो तुम लोगों ने सोची ना होगी, समझ रहे? किसी ने सोची नहीं होगी। थारा भाई जोगिंदर बवंडर ला दूंगा, बवंडर। तो इस बार मेरा टाइटल में तुम लोगों ने पढ़ी लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ, इस बार हम कुछ अलग चीज, हटके चीज करने वाले हैं जो आज तक किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि किसी ने सोची नहीं होगी, क्योंकि अपन बहुत तेज इंसान है, अपन सब सोच लेता है। तो बस और क्या बताऊं मैं अपनी तारीफ में, और कितनी कर सकता हूँ, बाकी है। इस टॉपिक पे आ जाते हैं। इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं कि हम अपने एक प्यारे मन के सच्चे राज दुलारे, इतना बेहतरीन, इतना प्यारे, इतने लफ्ज नहीं मिल रहे, उस दोस्त को बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। देवा, मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। आज हम एक चीज बोलना चाहेंगे, ठीक है? अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त हो, साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मरना तेरे को डर नहीं लगता? सॉरी सॉरी सॉरी। तो कृपया करके हमको मैसेज दे दिया, हम उसको भी कोई रिप्लाई देंगे, टेंशन मतलब सबको रिप्लाई मिलेगा। आज ये वीडियो उसी चीज के लिए है कि आप उससे अपनी साइकिल कैसे ले सकते हैं, और अगर आपकी साइकिल नहीं ली गई है, आपकी कुछ और लेके गया है, तो आप मेरे को बोलो, मैं उससे दिलवाऊंगा। बस ये वीडियो को उसे शेयर कर दो, ठीक है? तो सबसे पहले शेयर मत करना, तुम्हें एक काम करना है, जो तुम उसको करोगे तो वो पक्का दे देगा, गारंटी, थूक लगा के 100 मार्क्स देगा, टेंशन मत, मैं हूं ना। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें खड़े हो जाना है जहां पे भी तुम हो, ठीक है? खड़े होने के बाद तुम्हें दोनों हाथों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद आंखें बंद करनी है। आंखें बंद अभी मत करना, अभी नहीं कर, अभी करोगे तो वीडियो कैसे देखोगे? बताने के बाद फिर करना, तो आंखें बंद करनी। उसके बाद सोचना है उस अच्छे से लौंडे को हम कैसे साइकिल दिलवाए। उसके बाद ये बोलने के बाद, मतलब उसे कैसे लें हम साइकिल, डायरेक्ट ये बात सिंपल है। उससे ऐसे बोलने के बाद आपको जाना उस घर, आपको एक घर का किसी कोने में जाके एक आपको एक मस्त सा प्यारा सा लंबा सा मोटा सा डंडा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, लेना है। आपके घर में तो होगा ही होगा, तो उसे लेना है। फिर आपको उसके घर के बाहर जाना है और चिल्लाना नहीं है, मतलब फिर आपको बोलना है उसके घर जाके, घर के बाहर जाके बोल, आपको ये भी नहीं बोलना, आपको उसके घर जाके बाहर उसको बोलना है, वो जब आपको देखेगा आपके हाथ में डंडा है तो उसके फटके चार हो जाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सोच समझ के उसे बोलना है, प्रिय मित्र कृपया करके बाहर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो जैसे सुनेगा उसका मन बहल जाएगा, वो फिर मन बहल जाएगा तो भागे भागे आ जाएगा, वो सोचेगा मेरा इतना प्यारा दोस्त मेरे को बुला रहा है इतनी मेहनत से, तो मेरे को जाना चाहिए, तो फिर भाग के आएगा, फिर वो आपकी भाग के बाद सुनेगा। फिर आपको क्या करना है, आपको उसे बोलना है, आपको आपके एक हाथ में डंडा है, आपको एक हाथ में उसे रखना है और उसको बोलना है बीसी के साइकिल दे दे। अब वो समझेगा कि आप उसे गाली दे रहे हैं, लेकिन हमने बोला था इस वीडियो में कोई गाली नहीं चलेगी। यस, इसमें गाली नहीं है, ये बस तुम लोग के सोच गंदी है, तुम लोग हो गंदे, तुम लोग गाली समझ रहे हो उसे, बेशरम लोग। तो मैं बताता हूँ BCK का मतलब क्या है, जिस भी चीज़ का मतलब चाहिए हो आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके वहाँ पे भी देख सकते हो, लेकिन हम बताएंगे BCK के फुल फॉर्म है भरोसेमंद साइकिल कब देगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, ठीक है? ये है BCK का फुल फॉर्म। तो हम उसे बोलेंगे BCK क्या है, दे दे यार। तो अब वो सोचेगा यार क्या करूँ, अब मैं उसको, वो मेरे को मारेगा, क्योंकि इसलिए मारेगा क्योंकि वो हमारी साइकिल उठा के लेके भाग गया, तो थोड़ा सा तो जान होगी ना उसके अंदर एक्स्ट्रा, वरना मैं उसी वक्त उसको बोल के नहीं ले लेता, इसलिए। तो अब वो हमसे, हम उसे बोलेंगे, वैसे ही वो हमको दे घुसा के, मतलब घुमा के एक मारने की सोचेगा, वैसे ही मैं उसे भाई 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 नहीं, ये जो है ये गाली नहीं है, आप गंद मत समझ, मतलब गलत मत समझिए, ये है एक ऐसी चीज़ जो आप गलत समझ रहे हैं,
इसका मतलब है भरोसेमंद साइकिल कब देगा, तो ये है इसका मतलब। और वो समझेगा, फिर वो सोचेगा और फिर सोचेगा कि मैं दे देता हूँ। तो आपकी इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए गारंटी। और अगर ना हो तो आपके दूसरे हाथ में डंडा है, आप उससे डायरेक्ट बस घुसा दीजिए। मतलब गलत मत समझो बे, मतलब उसके घर जाइए और उसकी मम्मी का हाथ में दीजिए और बोलिए, मतलब घर के अंदर घुसा दीजिए उसका जो आपके पास है डंडा, और उसकी मम्मी को बोलिए आंटी ये मेरी साइकिल नहीं दे रहा। फिर उसका मम्मी जो करेगी करेगी, सिंपल। तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, सिंपल है, इतना सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करा दी मैंने। देखो अब इसी बात पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, इतनी मेहनत लगती है, गला सूख गया मेरा बोलते बोलते, लेकिन तुम लोग लाइक नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपका भी ऐसे कोई दोस्त है जिसको आपको कुछ बोलना है, या फिर उसने आपका कुछ लिया है, आपने उसका कुछ दिया है, तो बस कमेंट करो, बताओ क्या है, मैं बाकी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, अलविदा।